दोस्तों, हम सब जानते हैं कि आज का यह जमाना सोशल मीडिया का जमाना है, आज का यह जमाना इंटरनेट का जमाना है। तो आज हर कोई ये चाहता है कि सोशल मीडिया के थ्रू मुझे हर कोई जाने, मुझे पहचाने, मुझे देखें, मेरी काबिलियत को, मेरे टैलेंट्स को लोग देखें, पब्लिक देखें, दुनिया देखें। हम में से हर कोई इस कोशिश में रहता है और सोशल मीडिया का भरपूर इस्तेमाल करते हैं। आज ऐसा कोई भी नहीं होगा जो कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल करता ना हो। इस चीज में मसीहियत का भूमिका तो और भी बहुत ज्यादा है। हमारे मसीह कलीसियाओं में इस चीज को बहुत ही बढ़ावा दिया जाता है। सोशल मीडिया का इस्तेमाल बहुत ही जोरों शोरों से किया जाता है, कैमरा का इस्तेमाल बहुत ही जोरों शोरों से किया जाता है। हम हमेशा ये चाहते हैं कि हमारे कलीसियाओं में ये किया जाता है, ये सब होता है, ऐसे वर्शिप होता है, ऐसे अनुभाषा में बातें करते हैं, ऐसे भविष्यवाणी करते हैं, ऐसे चमत्कार होते हैं, ये सब दिखाने के लिए हम हमेशा तत्पर रहते हैं। और वैसे ही हम ये चाहते हैं कि हमारे कलीसियाओं में ये बड़े बड़े लोग आते हैं, दुनिया के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हमारे कलीसियाओं में आते हैं, हमारे कलीसियाओं में आते हैं, ये दिखाने के लिए हम तो और भी ज़्यादा बेताब रहते हैं। दोस्तों, एक बार प्रभु यीशु मसीह ने बहुत ही बड़ा चमत्कार किया। चमत्कार से मतलब है कि बहुत ही बड़ा चमत्कार किया। लेकिन उस चमत्कार के बाद प्रभु यीशु मसीह ने उस बंदे को जिसके जीवन में इतना बड़ा चमत्कार हुआ था उसे ही कह देते हैं कि सावधान, किसी से कुछ ना कहना। देखो, ये बात किसी को बताना नहीं। ऐसे क्यों, आखिर ऐसे क्यों क्यों प्रभु यीशु मसीह ने ये चिताया कि किसी से ना कहना। शलोम दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार, प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, आज आइए बहुत ही एक गंभीर वचन को हम देखेंगे जो आज हमारे आंखों को खोलने वाला है। गुजारिश से कि आप सब इस वचन को जरूर सुने और कुछ सीखें। मत्ती अध्याय 8 वचन 1 से 4, मत्ती चैप्टर 8:1-4 लिखा गया, जब वह यानी कि जब यीशु मसीह उस पहाड़ से उतरा तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली। देखने वाली बात यह है कि प्रभु यीशु मसीह पहाड़ी उपदेश के बाद जब उतरते हैं तो एक बड़ी भीड़ यीशु मसीह के पीछे हो ली, ठीक है। और देखो, एक कोढ़ी ने पास आकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। तो एक तरफ इतनी बड़ी भीड़ है, भीड़ के बीच में एक कोढ़ी आता है यीशु मसीह के पास। अगर हम कोढ़ियों के बारे में देखेंगे तो लेवी व्यवस्था अध्याय 13-14 में तो उनकी जिंदगी बहुत ही कठिन थी, बहुत ही मुश्किल की जिंदगी थी। जी हाँ, बहुत ही दुखदायक जीवन था कोढ़ियों का। उनको नॉर्मल लोगों के पास आना तो नहीं चाहिए। एक नॉर्मल व्यक्ति और एक कोढ़ी के बीच की दूरी कम से कम 6 फीट होना चाहिए, 6 फीट होना चाहिए। और राबियों के पास तो आना ही नहीं था। यानी कि हम समझ सकते हैं कि उनकी जिंदगी कितनी मुश्किल थी, कितनी कठिन थी। उनको अपने घर से, अपने परिवार से, अपने प्रियजनों से, अपने गांव से, समाज से बाहर निकाला जाता था, क्योंकि उनका मानना था वे एक पापी हैं और कोई अगर उनको छूते हैं तो जो छूने वाला वो भी अशुद्ध होता था, और अगर उनको फिर शुद्ध होना है तो बहुत से परंपराओं को मानना पड़ता था, बहुत से परंपराओं को मानते हुए जाना पड़ता था। तो इसीलिए इन परंपराओं के वजह से कोई भी व्यक्ति या कोई भी परिवार एक कोढ़ी व्यक्ति को अपने घर में, अपने परिवार में रखना नहीं चाहता था, ना कि उससे बातें करना पसंद करते थे। तो कोई भी व्यक्ति चाह के भी उनके साथ मेलजोल नहीं होता था, उनके साथ बातचीत नहीं करता था, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो उनको बहुत से परंपराओं को मानते हुए जाना पड़ेगा और उनको खुद को शुद्ध करना पड़ेगा। तो यहां पे देखें तो कोढ़ी यीशु मसीह के पास आता है, कोढ़ी यीशु मसीह के पास आता है। भाई, आता क्यों है? उसको एक विश्वास है कि यही व्यक्ति, ये यीशु मसीह मुझे शुद्ध कर सकता है। जिस व्यक्ति को लोगों ने नकारा है, जिस व्यक्ति को लोगों ने बाहर निकाल दिया है अपने समाज से, अपने घरों से, अपने परिवारों से,
उस व्यक्ति को विश्वास है कि ये यीशु मसीह मुझे बिल्कुल ठीक करेगा, बिल्कुल मुझे शुद्ध करेगा। इसीलिए उस भीड़ में से होते हुए आता है और प्रभु यीशु मसीह के चरणों तले गिर के कहता है, प्रणाम करके कहता है कि हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। वाओ, क्या ही प्रार्थना था, क्या ही विनती थी दोस्तों। आज हम देखें, आज हम इस कौड़ी से कुछ सीखें, क्योंकि आज की हमारी कलीसियाएं, आज के हमारे सो कॉल्ड बड़े बड़े प्रचारक, प्रोफेट्स, अपोस्टल्स ये कहते हैं कि प्रभु से मांगो, लिखा गया है मांगो तो दिया जाएगा, इसलिए मांगो, प्रभु के ऊपर दबाव डालो, प्रभु से मांगो, प्रभु से पूछो। उनको आज आपके जीवन में ये करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, जरूर करेगा, आज ही करेगा, अभी करेगा, इन द स्पॉट, राइट नाउ। हम लोगों को बहकाते हैं, लोगों को हम थोड़ा उठा देते हैं, पंप अप कर देते हैं, उत्साह कर देते हैं कि यस आज करेगा, अभी करेगा, अभी करेगा। और हम ये चाहते हैं कि प्रभु की इच्छा नहीं लेकिन हमारी इच्छा पूरी हो, प्रभु हमारी बातों को सुने, चाहे हम कुछ भी क्यों ना मांगे, वो अच्छा हो बुरा हो, हमारे लिए उचित हो उचित ना हो, हमें मांगना है, प्रभु को देना पड़ेगा, प्रभु को देना पड़ेगा, चाहे वो चाहता हो या ना चाहता हो, उसको देना ही देना है। आज हमारे बड़े बड़े सो कॉल्ड प्रचारक यही सिखाते हैं, कलीसियाओं में यही प्रचार करते हैं, और लोग भी इन बातों को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनते हैं और ये चाहते हैं और ये सोचते हैं, जी हाँ प्रभु को देना पड़ेगा, क्यों नहीं देगा, लिखा गया वचन में मांगो तो दिया जाएगा, तुम उससे भी बड़े बड़े काम करोगे, क्यों नहीं करेंगे, हम लोग करेंगे, हमारी इच्छा प्रभु पूरी करेगा। लेकिन कोढ़ी, जो कोढ़ी की उसका जिंदगी कठिन थी, उसका जीवन में बहुत परेशानियां थी, बहुत से मुश्किल का जीवन जी रहा था, वो व्यक्ति आके कहता है, प्रभु अगर तू चाहता है तो मुझे शुद्ध कर सकता है। कितना ही विनम्र के साथ, कितना ही हम्बल के साथ, बहुत बड़ी विनम्रता के साथ प्रार्थना करता है, गुजारिश करता है, विनती करता है कि हे प्रभु यदि तू चाहे, यदि तू चाहे तो ये काम कर सकता है। यानी कि हमें आज विनम्र के साथ प्रार्थना करना जरूरी है दोस्तों, विनम्र के साथ प्रभु की इच्छा को जानना, प्रभु के संकल्प को, प्रभु के योजनाओं को जानना भी बहुत जरूरी है। प्रभु हमारे जीवन में क्या चाहते हैं, वो हमें क्या देना चाहते हैं, हमें क्या बनाना चाहते हैं, हमें जानना समझना पड़ेगा। तो आज हम इस कड़ी के जीवन से बहुत कुछ सीख सकते हैं, हाँ दोस्तों बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो उसने कहा कि हे प्रभु यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है, इसमें कोई भी नहीं जो मुझे शुद्ध कर सकता है, और मुझे तो बाहर निकाला गया है, लेकिन मैं जानता हूं, मैं विश्वास करता हूं, मेरी उम्मीद है, भरोसा है कि प्रभु तू ही वो व्यक्ति है जो मुझे शुद्ध कर सकता है, इन लोगों के सामने मुझे शुद्ध कर सकता है, इस भीड़ के सामने तू मुझे शुद्ध कर सकता है। और आगे लिखा गया, यीशु ने हाथ बढ़ाकर उससे छुआ। भाई जब एक कौड़ी को कोई व्यक्ति छू नहीं सकता, छूने की बात तो छोड़ो, उसके पास भी नहीं जा सकता था, 6 फीट की दूरी होना चाहिए, तो प्रभु तो उसको छूते हैं, तो यीशु मसीह उसको छूते हैं। सबसे बड़ा मिराकल तो ये है कि जो व्यक्ति को छीना मानते थे, जो व्यक्ति को अशुद्ध मानते थे, जो व्यक्ति को निकाला गया था, जिसके पास हम नहीं जा सकते हैं, जिसके जिसके बीच हमारी दूरी 6 फीट होना चाहिए, उसको यीशु मसीह छूते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो दोस्तों हमारे प्रभु यीशु मसीह ये है, ये चीज है जिसको इस दुनिया ने ठुकराया है, जिसको इस संसार ने ठुकराया है, जिसको इन लोगों ने ठुकराया है, नजरअंदाज कर दिया है, तुच्छ जाना है, उनको प्रभु उठाएंगे कि उस कौड़ी को जिसको कि कोई भी नहीं छूना चाहिए, जिसको कि कोई बात नहीं करना चाहिए, उसके पास नहीं जाना चाहिए, उस बंदे को यीशु मसीह छूते हैं और कहते हैं, हाँ मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। दोस्तों वचन में लिखा गया, अगर प्रभु परमेश्वर एक बात को चाहते हैं, एक बात को चाहते हैं, तो उसको रोकने वाला कौन है? तो यहां पे जब प्रभु यीशु मसीह स्वयं चाहते हैं कि वो कोढ़ी उस दिन उस पल ठीक हो जाए, शुद्ध हो जाए, तो फिर उनके बीच में कौन ताकत है, ऐसा कौन है जो उस योजना को विफल करे?
उस योजना को नाकाम करे, कोई भी नहीं। को प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जी हाँ मैं चाहता हूँ शुद्ध हो जा। और वह तुरंत कोढ़ से शुद्ध हो गया, तुरंत उसी क्षण उसी पल ऑन द स्पॉट वो ठीक हो गया, शुद्ध हो गया। यीशु ने उससे कहा, देख किसी से ना कहना। यीशु ने उससे कहा, देख किसी से ना कहना। सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है, देखिए इतना बड़ा चमत्कार हो गया, इतना बड़ा मिराकल हो गया, इतना बड़ा मिराकल हो गया, इतनी बड़ी चंगाई उस दिन हो गई। उस दिन एक व्यक्ति को शुद्ध किया गया, जिस व्यक्ति को संसार ने समाज ने दूर किया था, अपने समाज से बाहर निकाला था, उसी व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह शुद्ध करते हैं। तो यीशु मसीह कहते हैं कि किसी से ना कहना, क्यों भाई? इतना बड़ा चमत्कार हो गया, इतना बड़ा मिराकल हो गया, एक व्यक्ति शुद्ध किया गया, तो इस बात को प्रचार करने में प्रमोट करने में बुराई क्या है, उसमें गलत क्या है? ऐसा तो होना ही चाहिए। प्रभु यीशु मसीह उसको बोलना चाहिए कि जाओ सबको दिखाओ, सबको बताओ कि तुम आज मेरे नाम से साफ किए गए, तुम आज मेरे नाम से शुद्ध किए गए, आज मैं तुमको शुद्ध किया हूं, जाओ बताओ सबको, सबको प्रचार करो, प्रमोट करो मिराकल को या चमत्कार को, सबको बताओ जाओ आज तुम शुद्ध किए गए। ये बिल्कुल बोलना चाहिए, ये बिल्कुल ही बोलना चाहिए था। लेकिन ये सब उसे कहते हैं, देख किसी से ना कहना। दोस्तों वचन बताता है कि प्रभु यीशु मसीह क्यों आए थे दुनिया में। लिखा गया कि परंतु उसने उनसे कहा, मुझे अन्य नगरों में भी परमेश्वर के राज का सुसमाचार, जी हाँ सुसमाचार सुनाना अवश्य है, क्योंकि मैं इसीलिए भेजा गया हूं। जी हाँ दोस्तों, तो प्रभु यीशु मसीह का पहला और मूल मकसद था कि गॉस्पेल का प्रचार करना, वचनों का प्रचार करना, ना कि मिराकल दिखाना, ना कि चमत्कार करना, ना कि मिराकल्स का प्रमोट करना, बिल्कुल नहीं। अगर ऐसा होता तो प्रभु यीशु मसीह कह देते कि जाओ सबको सुनाओ। वो कभी ये नहीं चाहते थे कि लोग चमत्कार को देख के मेरे विश्वास करें, लोग चमत्कार के पीछे भागते भागते हमारे वचनों को ध्यान ना दें। यानी कि वो जानते थे कि लोग भटक जाएंगे और हम भी अपने मूल मकसद से, हमारे मूल जो उद्देश्य है उससे हम लोग भटक जाएंगे। वचनों को ना सुना के हम लोग चमत्कारों में बिजी रहेंगे, लोग चमत्कार को ही विश्वास करेंगे ना कि वचनों का। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ये चाहते थे कि हमारे मूल मकसद से हम कभी ना भटके, लोग भी जो पब्लिक है ये लोग भी भटक ना जाएं, चमत्कार के पीछे ना पड़े, परंतु वे लोग वचन सुने, सुसमाचार को सुने और विश्वास करें। वचन में और भी लिखा गया है, उसने उनसे कहा, आओ हम और कहीं आसपास की बस्तियों में जाएं कि मैं वहां भी प्रचार करूं, क्योंकि मैं इसीलिए निकला हूं। तो प्रभु यीशु मसीह का पहला मकसद है कि वचनों को प्रचार करना, सुसमाचार का सुनाना, ना कि चमत्कार करना। लेकिन कभी कभी जहां भी जरूरत पड़ता था, प्रभु यीशु मसीह ने चमत्कार किए हैं, चमत्कार को हम नकार नहीं सकते, यीशु मसीह ने किया। लेकिन कभी कभार जहां जहां आवश्यक पड़ती थी वहां पे प्रभु यीशु मसीह ने चमत्कार भी किए, लेकिन उनका मूल मकसद ऐसा नहीं था। तो आज हम देखेंगे तो हम क्या करते हैं, दिखाओ दिखाओ दिखाओ, कैमरा के सामने दिखाओ दिखाओ, क्या हुआ क्या हुआ था, क्या हुआ था क्या हुआ था, दिखाओ दिखाओ, बोलो बोलो बोलो, हम सबको पीछे से उकसाते हैं। हम ये कहते हैं कि बताओ बताओ क्या हुआ था, तुम कैसे ठीक हुए, हमारे प्रार्थना के द्वारा तुम ठीक किए गए, हमारे कलीसियाओं में आने के बाद तुम ठीक हो गए, हमारे जूम मीटिंग में आप आने के बाद ठीक हो गए, चंगा हो गए आप, आपके जीवन में चमत्कार हुआ, ब्लेसिंग्स आपने पाए हैं, दिखाओ बताओ बताओ। लेकिन दोस्तों यीशु मसीह कहते हैं किसी से ना कहना। जी हाँ हम बोल सकते हैं, हम गवाही दे सकते हैं, लेकिन कब? जब हमें यह लगना चाहिए कि मुझे इस बात को जमाना को बताना चाहिए, मुझे इस बात को लोगों तक पहुंचाना चाहिए, हम खुद ये बोलना चाहिए, हमारे जीवन में ये आना चाहिए, ना कि कोई हमें उसकाए और ये कहे बताओ बताओ बताओ, ये नहीं। अगर हमें ये लगता है कि मुझे इस बात को लोगों तक पहुंचाना चाहिए, अगर मुझे ये लगता है प्रभु ने मेरे जीवन में इतना बड़ा चमत्कार किया है, मुझे लोगों तक पहुंचाना चाहिए, मुझे लोगों को बताना चाहिए,
तो मैं उस बात को बिल्कुल प्रचार कर सकता हूँ। प्रचार करना भी चाहिए, ना कि किसी के प्रेशर की वजह से, नहीं, मेरे मन में आना चाहिए, मैं अपने मन से स्वतंत्र के साथ इस गवाही को देना चाहिए। लेकिन आज उसका उल्टा होता है कि दिखाओ दिखाओ दिखाओ, बताओ बताओ बताओ, सबके पास हम लोग माइक लेके जाते हैं, कैमरा लेके जाते हैं, बताओ क्या हुआ था। लेकिन वचन में लिखा गया कि वे लोग अपना प्रतिफल पा चुके हैं, मैं उनको देना था, मैं उनका प्रतिफल देना था, मैं उनकी तारीफ करना था, बढ़ाई करना था, लेकिन वे लोग लोगों से तारीफ पा चुके हैं, लोगों से बढ़ाई प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन मेरे से नहीं। क्यों? क्योंकि वो मेरी इच्छा नहीं, वो उनकी मर्जी है, उनकी इच्छा है। आगे लिखा गया कि परंतु जाकर अपने आप को याचक को दिखा और जो चढ़ावा मूसा ने ठहराया है उसे चढ़ा, ताकि लोगों के लिए गवाही हो। बहुत बढ़िया। देखिए, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि किसी से ना कहना, लेकिन जो भी चढ़ावा मूसा ने ठहराया है, जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था को फॉलो करो और जाओ याचक को दिखाओ और लोगों के लिए यही बात गवाही ठहरे कि तुम आज शुद्ध किए गए, तुम आज शुद्ध किए गए। तो दोस्तों, आज हम देखें, आज हमारे कलीसियाओं में इसका बिल्कुल उल्टा होता है। प्रार्थना देखें, प्रार्थना में भी उल्टा होता है। हम अपनी इच्छा, अपनी मर्जी को प्रभु के ऊपर थोप देते हैं, प्रभु को ये करना पड़ेगा। जबकि इस कौड़ी ने बहुत ही विनम्र के साथ, बहुत ही हम्बल के साथ प्रार्थना की कि प्रभु यदि तू चाहे तो ये मेरे जीवन में तू कर सकता है। और ऐसे ही चमत्कार होने के बाद प्रभु यीशु मसीह स्वयं कहते हैं, जो व्यक्ति इतना बड़ा चमत्कार किया उस दिन, वो व्यक्ति कहते हैं, वो परमेश्वर कहते हैं, देखो ये बात किसी से ना कहना। और आज हम देखते हैं कि हम सबको प्रचार करते हैं, सबको प्रचार करते हैं। अब आप कहोगे क्या ये प्रचार करना नहीं चाहिए? जी हाँ, बिल्कुल करना चाहिए। अब कुछ लोग ये कह सकते हैं कि हमें क्या ये बताना नहीं चाहिए? जी हाँ, बिल्कुल बताना चाहिए। लेकिन जब जिस व्यक्ति के जीवन में चमत्कार हुआ है, अगर उसको लगता है कि इस बात को मुझे प्रचार करना चाहिए, इस बात को मैं बिना बता के नहीं रह सकता, बताऊंगा बोल के, अगर उसको लगता है तो वो जाके बता सकता है, प्रचार कर सकता है। क्योंकि वचन में लिखा गया, कुछ छिपा नहीं जो प्रकट ना हो, और ना कुछ गुप्त है जो जाना ना जाए और प्रकट ना हो। तो जो हम करते हैं, गुप्त में हो या बाहर हो, प्रभु जानता है। एक दिन वो प्रकट होगा, लोग जानेंगे जरूर। तो हमें दिखाने के लिए दिखावटी सेवकाई करना नहीं चाहिए। हमें किसी को दिखाने के लिए, किसी को प्रसन्न करने के लिए, इंसानों को, दुनिया को प्रसन्न करने के लिए हमें दिखावटी सेवा करना नहीं चाहिए। प्रभु सब कुछ जानते हैं और वो हमें प्रतिफल जरूर देंगे। तो दोस्तों, आज हम देखें, आज हमारे कलीसिया में, आज हमारे मसीहियत में क्या होता है और आज इस वचन में क्या हुआ था। क्योंकि बाइबल में प्रभु यीशु मसीह चमत्कार करने के बाद ये कहते हैं कि किसी से ना कहना। जी हाँ, किसी से ना कहना, अर्थात हम आज वचनों में ध्यान दें, सुसमाचार में ध्यान दें, ना कि इन चमत्कारों में, ना कि इन ब्लेसिंग्स, हीलिंग्स के पीछे हम भागें, परंतु हम वचनों के पीछे भागें। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग कुछ समझे होंगे, और अगर समझे हैं, कुछ आपको जानने के लिए मिला हो, तो आप भी इस वचन को आगे बढ़ाइए और प्रभु की महिमा, प्रभु की बढ़ाई करिए। प्रभु हम सबको आशीष दे। धन्यवाद।